Hello everyone, so welcome to my YouTube channel Blue Shell. So today we are going to make fried idli. So here we go. मैंने एक कटोरी सूजी ली है और उसे अच्छे से छान लिया है। उसे छानने के बाद मैंने उसमें आधा कटोरी दही ऐड की है। दही को ऐड करने के बाद मैंने उसमें आधा चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपका बैटर काफ़ी गाढ़ा है तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। याद रखना, पानी को आप डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर उसे मिक्स करेंगे, देन फिर थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर उसे मिक्स करेंगे। हमें आधा गिलास पानी कुकर में बॉईल होने के लिए रख देना है और उसके बाद हमें अपने बैटर में इनो ऐड करना है। इनो ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें अपने इडली मेकर स्टैंड को किसी भी कुकिंग ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद चम्मच की मदद से हमें अपने बैटर को उसमें डाल देना है। अब हमें अच्छे से उसके स्क्रू को टाइट करके रख देना है। अब मैंने अपने स्टैंड को कुकर के अंदर रख दिया है और कुकर के ढक्कन की सीटी को उतार देना है। अब हमें 5 मिनट तक का इंतज़ार करना है। 5 मिनट बाद मैंने उसमें नाइफ डाल के देखा और वो बिल्कुल साफ बाहर आया। इसका मतलब है हमारी इडली तैयार हो गई। अब हमें अपने इडली मेकर स्टैंड को बाहर निकाल लेना है। देख सकते हैं, इनों की वजह से हमारी इडली काफ़ी फ्लफी हो चुकी है। हमें स्पून की हेल्प से उस इडली को बाहर निकाल कर एक बाउल पे रख लेना है और उस बाउल को कवर कर लेना है ताकि जो उसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले। हमारी इडली तैयार है और ये काफ़ी स॑फ्ट है। और अब मैंने 3 शिमला मिर्च काटी और 2 प्याज काट लिए हैं। मैंने इडली के 2 टुकड़े कर लिए हैं। इडली को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में 4 स्पून ऑयल ऐड किया है। आधा चम्मच राई डाली है, 4 कड़ी पत्ता और कटा हुआ प्याज भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की है। मैंने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दी है। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है, आधा चम्मच नमक डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैंने उसे भी मिक्स कर लिया है। इसे अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने उसमें इडली ऐड कर दी है और अब मैं इसे भी मिक्स कर रही हूँ। हमारी फ्राइड इडली रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।